अभी सिंगल स्लिट का ये देखिए डायग्राम है, यहाँ पे क्या है, स्लिट दिखा रखी है, सिंगल स्लिट लाइट सोर्स ले रखा है, और यहाँ से जो लाइट डिफ्रेक्ट हो रही है तो वेव फ्रंट की फॉर्म में भी दिखा रखा है कि वेव फ्रंट्स की फॉर्म में हमारी लाइट चल रही है, और यहाँ पे जो हमारा स्लिट है सेकेंडरी सोर्स को फिर आगे फॉरवर्ड करता है, सेकेंडरी वेवलेट्स आगे मूव करती हैं। यहाँ पे पैटर्न भी दिखा रखा है, सेंटर में ब्राइट दिखा रखा है, उसके बाद जो ब्राइट्स हैं उनकी इंटेंसिटी कम है, और जो डार्क हैं आप देख सकते हो वो परफेक्टली डार्क भी नहीं है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में ये डिफरेंस भी है कि जो इंटरफेरेंस होता है वहां पर जो ब्राइट है उन सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, और जो डार्क होते हैं उन सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, और प्लस डार्क जो परफेक्टली डार्क होता है ना। लेकिन डिफ्रेक्शन के अंदर जो मैक्सिमा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, उसके बाद जो मैक्सिमा होती है उनकी इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा से कम होती चली जाती है जैसे जैसे से दूर जाते हैं सेंटर से, और डार्क भी परफेक्टली डार्क नहीं होता है। चलिए तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको क्वेश्चन करके हम ये डायग्राम बना लेते हैं। तो और इस क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट लिखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डिफ्रेक्शन के अंदर या तो सिंगल स्लिट आता है या एन स्लिट ग्रेटिंग आता है ना। के सारे डेरिवेशन लॉन्ग लॉन्ग है डिफ्रेक्शन के ना, लेकिन सिंगल स्लिट करके एन स्लिट में जल्दी कर दूंगी, वो डबल स्लिट जल्दी कर दूंगी, ये अगर 2 दिन में हो रहा है तो उसको कोशिश करेंगे 1-1.5 दिन में हो जाए। चलिए तो डिस्कस द फॉर्नहोफर डिफ्रेक्शन पैटर्न पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट, और करके, अब ये जो और करके लैंग्वेज लिख रही हूँ ज्यादातर इसी लैंग्वेज में ये आता है क्वेश्चन है ना। डिस्कस द फिनोमिना डिस्कस द फिनोमिना ऑफ डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट डिस्कस द फिनोमिना ऑफ डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट सिंगल स्लिट and show that the relative intensities of the successive maxima are nearly वन रेशो फोर अपॉन 9 pi square रेशो 4/25 pi square रेशो 4/49 pi square। तो आप समझ भी गए होगे, देखिए 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट वाला हमारा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 81 हो जाएगा है ना, डैश 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 एंड सो एन। तो ये वाला क्वेश्चन आता है हमारा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिंगल स्लिट आता ही आता है। तो यहाँ पर क्या है, एक हमारा सोर्स है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, उसके आगे कॉन्वेक्स लेंस रखा है, फिर स्लिट है जिसकी विड्थ ई है, यहाँ पे हमने ब्रॉड बना के दिखा रखा है, लेकिन स्लिट जो विड्थ है ये ऑलमोस्ट हमारे लाइट के ऑर्डर की होती है, जिस ऑर्डर का वेवलेंथ होता है उसी ऑर्डर की स्लिट होती है ये, ठीक है। बट यहाँ पे समझाने के लिए इसको ब्रॉड बना रखा है जिसकी स्लिट विड्थ ई है। फिर एक हमारे पास एक और कॉन्वेक्स लेंस है, और उसके सामने स्क्रीन है जिसमें हम डिफ्रेक्शन पैटर्न हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो लाइट डेविएट नहीं हो रही, डिफ्रैक्ट नहीं हो रही, या कह लीजिए डेविएशन एंगल जिसका 0 है, वो ओ पॉइंट पे फोकस हो रही है, और जो लाइट डेविएट हो रही है थीटा एंगल से वो पी पॉइंट पे फोकस हो रही है। तो हम पी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो लाइट डिफ्रैक्ट होकर आ रही है थीटा एंगल से। तो पी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो लाइट ए पॉइंट से डिफ्रैक्ट हो रही है और जो लाइट बी पॉइंट से डिफ्रैक्ट हो रही है, इन दोनों के बीच में हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। और पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ये ए पॉइंट से बी एन पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं ए एन। तो इस जगह जो ये एंगल है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ पर हमारा थीटा डिग्री है, ये 90 है, ये थीटा है, और ये लाइन ऐसे सीधी जा रही है, ये ऊपर वाली लाइन थोड़ी ऐसे है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ आपको। तो
तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए ये लाइन तो ऐसे सीधी जा रही है, और जो ये वाली लाइन है ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है यहाँ पर, तो ये वाली लाइन इस वाली जगह से कितना एंगल बनाएगी, ये पूरा यहाँ पर ऐसे 90 है, ये तो सीधी जा रही है, ये वाली थीटा कम हो गई 90 से, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 है इधर, यानी कि बी एन ए एंगल हमारा 90 है, बी पे जो एंगल बन रहा है यानी ए बी एन एंगल जो बन रहा है वो 90 माइनस थीटा बन रहा है, इसलिए यहाँ पर जो एंगल है यानी कि बी ए एन ये हमारा थीटा हो जाएगा। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमने ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है तो इतना जो पाथ है हमारा ये एक्स्ट्रा पाथ है इस वाली रे का यानी कि बी एन, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन रे जो यहाँ से डिफ्रेक्ट हो रही है और यहाँ से जो डिफ्रेक्ट हो रही है उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो बी एन आएगा। तो बी एन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ट्रायंगल ए बी एन में क्या यूज करेंगे, हाँ साइन थीटा लगा देंगे, हाँ ठीक है साइन थीटा लगाएंगे, साइन ऑफ आप बताइएगा साथ साथ आ रहा है या नहीं आ रहा, वेव लेंथ लैम्डा ठीक है एल, तो जो मैंने फिगर बताई थी तो आपको फिगर में जब मैं जूम करके करा रही थी तब ठीक आ रहा था, मतलब फिगर में मैं जो थीटा एंगल बता रही थी तब वो समझ में आ रहा था कि किस एंगल की बात कर रही हूँ। चलिए ठीक है फिर एल वन, वहां पे एल वन लिखा है ना हमने, एल वन इज कॉलिमिनेटिंग लेंस ए बी इज स्लिट ऑफ विड्थ ई, एल टू इज अनदर लेंस, अनदर बल्कि कन्वर्जिंग लेंस है ना जो कन्वर्ज कर रहा है लाइट को या डिफ्रेक्टेड लाइट को फोकस कर रहा है लेंस, एंड एक्स वाई इज द स्क्रीन, एक्स वाई इज द स्क्रीन लाइट कमिंग आउट फ्रॉम सोर्स एंड पासिंग थ्रू द स्लिट इज फोकस्ड एट पॉइंट ओ एंड पी लिखा था ना फिगर में, पी एट द स्क्रीन, अ डिफ्रेक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन on the screen which consists of center bright band having alternate डार्क एंड ब्राइट बैंड ऑफ डिक्रीजिंग अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर, और आप चाहें तो ये लैंग्वेज ना लिखें जो हमने फिगर बनाई है वहां पर पूरी अच्छे से नेमिंग कर दें और फिर सिंपल लिख दें कि कंप्लीट अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर फॉर फोन ऑफ अ डिफ्लेक्शन एट सिंगल स्लिट, है ना। मैम अल्टरनेट के बाद क्या लिखा है, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑन बोथ साइड राइट द कंप्लीट अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये इसकी एनालाइज और एक्सप्लेनेशन है। तो हमने क्या किया, जो लाइट डिफ्रेक्टेड रे है उसको हमने ओ पॉइंट पे जो ठीक है यहाँ क्या लिखा है डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है अगर उसी डायरेक्शन में लाइट की बात करें, डिफ्रेक्टेड लाइट कह लीजिए या अनडेविएटेड लाइट कह लीजिए, थीटा एंगल जीरो है तो हमने उसको ओ पॉइंट पे फोकस करा है, जो लाइट थीटा एंगल से डिफ्रेक्ट हो रही है उसको हमने पी पॉइंट पे फोकस किया है,
हुई है उसको हमने पी पॉइंट पे फोकस किया है, जो लाइट जीरो एंगल से डिफ्रैक्ट हुई है या कह लीजिए इंसिडेंट के डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको हमने ओ पॉइंट पे फोकस किया है। फिर हमने कहा कि ए एन, हम पी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया बी एन पे, तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा बी एन डेल्टा बी एन, और फिर बी एन हमने जब साइन थीटा लगाया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बी एन अपॉन ए एन, और वहाँ से ए एन की वैल्यू रख दी, वो हमारी स्लिट विड्थ है, तो ई साइन थीटा, तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ गया ई साइन थीटा। पार्ट डिफरेंस आ गया तो आप फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू रख देंगे तो फेज डिफरेंस आ जाएगा 2π/λ ई साइन थीटा। ये हमारा फेज डिफरेंस किसके बीच में है, जो लाइट हमारी ए पॉइंट से डिफ्रेक्ट हुई है और जो लाइट हमारी बी पॉइंट से डिफ्रेक्ट हुई है। अब मैं वापस उस फिगर पे आ रही हूँ, ठीक है, तो हम ये पार्ट डिफरेंस किसके बीच में निकाला है या फेज डिफरेंस किसके बीच में निकाला है, जो लाइट यहाँ से डिफ्रेक्ट हो रही है ए पॉइंट से और जो लाइट बी पॉइंट से डिफ्रेक्ट हो रही है, इन दो के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमारा 2π/λ इंटू ई साइन थीटा आ रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बीच में से भी तो रेज जा रही होंगी ऐसे, ठीक है, सपोज ये हमारी n है स्मॉल n, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ये जो टू कंसेक्यूटिव वेव्स हैं इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कैसे होगा, कितना होगा, अगर ये टोटल n है, ये जो फेज डिफरेंस है इस फर्स्ट का और लास्ट के बीच का है, और मैं बोल रही हूँ इनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइंस जा रही हैं, उनका एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम सोर्स से आ रही हैं, पर टू कंसेक्यूटिव रेज के बीच में अगर मैं फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहूँ और ये हमारी एन हो, इनको अगर एन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो कितना होगा, जो हमारा टोटल फेज डिफरेंस है ए और बी वाला उसको एन से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो हमारा फेज डिफरेंस टू कंसेक्यूटिव रेज के बीच में कितना हो जाएगा, जो हमारा फेज डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 2π e sin θ/λ, इसको हम n से डिवाइड कर देंगे, तो लेट ए बी कंसिस्ट n सेकेंडरी सोर्स, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव सोर्स विल बी, जो भी ये फेज है उसको n से डिवाइड कर दिया तो टू कंसेक्यूटिव रेज के बीच का फेज डिफरेंस आ गया, डायल इक्वल टू टोटल फेज अपॉन लैम्डा n, ठीक है, तो 2π e sin θ/λ, तो हमारे पास टू कंसेक्यूटिव वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस आ गया है, हमें ये पता है कि n वेव्स हैं, तो टोटल रिजल्टेंट r सारी वेव्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था r इक्वल टू a साइन n d बाय 2 अपॉन साइन d बाय 2, है ना, ये मैंने कराया था, ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि क्या है, d क्या है, टू कंसेक्यूटिव रेज के बीच का फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस डी था टू कंसेक्यूटिव रेज के बीच में, यहाँ पर डेल हो रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ए लिखेंगे, वाइब्रेशन हमने यहाँ पर भी एन ही लिए हैं तो एन की जगह एन लेंगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा पी पॉइंट पे, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड resultant amplitude and phase p will be r equal to a sin n del by 2 upon sin del by 2, d की जगह del हो जाएगा ये, ठीक है, अब यहाँ पर हम del की वैल्यू रख देंगे, del की वैल्यू कितनी है 2π e sin θ/λ, तो del की जगह ये रख दीजिए, r equal to a sin 2nπ e sin θ/2nλ, 2π e sin θ/2nλ, और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर n से n भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा a sin π e sin θ/λ, यहाँ पे हो जाएगा sin π e sin θ/nλ, ठीक है, तो हम इसको वो कैंसिल नहीं हो सकता है 2nλ और 2nλ, ये तो साइन के अंदर है ना बेटा है ना, साइन के अंदर है, ब्रैकेट साइन के अंदर है, साइन के अंदर मतलब एक तरीके से थीटा है ये उसका, उसको इसको नहीं कैंसिल, है ना, हाँ, तो अब हमने क्या किया कि पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा को, क्योंकि ये बार बार हमें ना लिखना पड़े, हमने इसको अल्फा कंसीडर कर लिया,
पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा की जगह हम अल्फा लिख सकते हैं, तो आर इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन एन, है ना, यहाँ पे एन रह जाएगा, पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा को हम एन लिख लेंगे, तो आर हो गया हमारा ए साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन एन। अगर हम कहें कि एन हमारा बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा एन होगा उतना ही अल्फा अपॉन एन कम होगा, तो उस केस में साइन अल्फा अपॉन एन जो है अल्फा अपॉन एन हो जाएगा, साइन थीटा अगर थीटा कम होता है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो हम सेम हमने क्या किया, वही लिखा कि एन ज्यादा है तो अल्फा अपॉन एन स्मॉल होगा, देन साइन अल्फा अपॉन एन जो है अल्फा अपॉन एन होगा, और इसकी जगह साइन अल्फा अपॉन एन की जगह हमने अल्फा अपॉन एन रखा, ये एन ऊपर चला गया, ये एन ए हो गया। तो इस एन ए को हमने, एन ए का मतलब क्या है, एक वेव का एम्पलीट्यूड को हमने नंबर ऑफ वेव से मल्टीप्लाई कर दिया या वाइब्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, वेयर कैपिटल ए इक्वल टू एन ए है, अल्फा इक्वल टू पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा है। तो हमारा एम्पलीट्यूड आ गया पी पॉइंट पे, एम्पलीट्यूड आ गया तो इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, तो इंटेंसिटी हो जाएगी आर स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इंटेंसिटी आई है उसको मैक्सिमा मिनिमा के लिए सॉल्व करेंगे, है ना, पी पॉइंट पे इंटेंसिटी। हो गया मैम, चलिए तो अब क्या करिए, हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड ले लिया है, तो अब इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रख देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस निकालेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालेंगे, और प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन वन लिखी है हमने एम्पलीट्यूड वाली, उसमें साइन को एक्सपेंड कर देंगे, तो आर होता है ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, तो अल्फा को एक्सपेंड किया, तो साइन अल्फा हमारा हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस अल्फा फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस अल्फा सेवन अपॉन सेवन फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू ए वन माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस अल्फा फोर अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस अल्फा सिक्स अपॉन सिक्स फैक्टोरियल। ये टर्म मतलब जो एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये कौन सी टर्म नहीं होंगी यहाँ पे, बताइए ये माइनस वाली टर्म्स नहीं होंगी, तो ये मैक्सिमम टर्म होगा, ये माइनस वाली टर्म कब नहीं होंगी, जब अल्फा नहीं होगा, है ना, तो आर विल बी मैक्सिमम इफ नेगेटिव टर्म्स इन द अबव इक्वेशन वैनिशेस, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन अल्फा इक्वल टू जीरो। तो अल्फा इक्वल टू जीरो मतलब अल्फा की वैल्यू रख दी पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो पाई ई लैम्डा कांस्टेंट है, तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो और थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू जीरो है तो हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल जाता है, यानी कि लाइट अगर डिफ्रेक्ट नहीं हो रही है सेंटर पे हमें मैक्सिमा मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको हम प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलते हैं, थीटा इक्वल टू जीरो पे हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलता है। तो इंटेंसिटी और निकालनी है, तो आर अल्फा की जगह यहाँ जीरो रखेंगे तो आर कितना हो जाएगा, अगर इस इक्वेशन में यहाँ पर अल्फा की जगह जीरो रखेंगे तो आर कितना हो जाएगा, ए ए हो जाएगा मैम, है ना, एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा, और इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, तो इंटेंसिटी हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर, इसको आई नॉट बोल देती हूँ, आई नॉट मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। इक्वेशन थ्री, तो आई नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आ गई, और ये भी पता लग गया प्रिंसिपल मैक्सिमम किस डायरेक्शन में मिलता है, जब लाइट डिफ्रेक्ट नहीं होती है एंगल जीरो होता है। हमने मैक्सिमा की निकाल ली कंडीशन, इसके बाद हम मिनिमा की निकाल लेंगे।
चलिए तो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या मैम। करेंगे, हमने मैक्सिमा की कंडीशन करनी है, अब मिनिमा की करेंगे। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा कब होगा, जब इंटेंसिटी जीरो होगी। इंटेंसिटी जीरो कब होगी, तो ए तो जीरो हो नहीं सकता, तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा जीरो होगा। साइन अल्फा अपॉन अल्फा तो जीरो होगा, मतलब साइन अल्फा जीरो होना चाहिए, बट अल्फा कैन नॉट बी जीरो। अगर अल्फा जीरो होगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, जब साइन अल्फा अपॉन अल्फा जीरो होगा, मतलब साइन अल्फा इक्वल टू जीरो होगा, बट अल्फा कैन नॉट बी जीरो। क्यों, अगर अल्फा जीरो होगा तो किसकी कंडीशन हो जाएगी, मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी। अभी तो निकाल कर आए हैं, तो अल्फा जो है जीरो नहीं हो सकता है, तो अल्फा क्या होगा, एन पाई, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, और एम की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, वन टू थ्री सो ऑन होगी, और अल्फा की वैल्यू रख देंगे पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा आ जाएगा। ये हमें मिनिमम की डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में हमें मिनिमा ऑप्टेन होगा, और एम इक्वल टू वन टू थ्री रखेंगे तो हमें फर्स्ट मिनिमा की डायरेक्शन, सेकेंड मिनिमा की डायरेक्शन और थर्ड मिनिमा की डायरेक्शन मिल जाएगी। अब सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं। सिंगल स्लिट के अंदर हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा के साथ साथ सेकेंडरी मैक्सिमा भी मिलते हैं, और सेकेंडरी मैक्सिमा फाइंड करने के लिए हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए पढ़िए, इन डिफ्रेक्शन पैटर्न देयर आर सेकेंडरी मैक्सिमा इन एडिशन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा, द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा मे बी ऑब्टेन बाय डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड इक्वेटिंग इट टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो डी आई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू रख देंगे ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर, इसको डिफ्रेंशिएट करिए और इक्वेट टू जीरो करके वैल्यू फाइंड करिए। तुम यहाँ तक लिखिए और डिफ्रेंशिएट करके मुझे बताइए भी क्या वैल्यू आ रही है। यस मैम, कर दिया डिफरेंशिएशन, तो बताइए कितना आ रहा है आंसर। 2a स्क्वायर इनटू अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में अल्फा क्यूब। हाँ, तो आपने अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने नहीं किया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, साइन अल्फा अपॉन अल्फा और अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन ए स्क्वायर, तो ए तो ए स्क्वायर तो जीरो नहीं होगा, एम्पलीट्यूड है, तो या तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा जीरो होगा क्योंकि टू टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो हो रहा है, या अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। साइन अल्फा अपॉन अल्फा जीरो नहीं हो सकता सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी लिखा हुआ ही है कि ये मिनिमा की कंडीशन देता है या अल्फा इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमा प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन देता है। तो इसका मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ये टर्म जीरो होगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आइदर साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू जीरो और अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो, बट साइन अल्फा अपॉन अल्फा गिव्स द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इंटेंसिटी इज जीरो, या कह लीजिए मिनिमा की कंडीशन देता है ऑन द स्क्रीन, एक्सेप्ट अल्फा इक्वल टू जीरो पे। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो करेंगे, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा ग्राफिकल मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक बार अल्फा प्लॉट करेंगे, एक बार टेन अल्फा प्लॉट करेंगे वाई इक्वल टू, ठीक है। तो जहां जहां इनका इंटरसेक्शन होगा वहां वहां हमें वैल्यू अल्फा की मिल जाएगी, कि किस वैल्यू के लिए हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलता है। तो यहाँ तक करिए, उसके बाद फिर स्लाइड चेंज करती हूँ। मैम हो गया, चलिए हो गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ मैं, तो अब क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो करके अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर हम सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज गिवन बाय अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो और अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, द वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन आर ऑब्टेन ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग the curve y equal to alpha and y equal to tan alpha on the same graph. तो हम प्लॉट करेंगे, y equal to alpha हमें स्ट्रेट लाइन देगा जो 45 डिग्री एंगल पे है, और y equal to tan alpha discontinuous graph देगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये मैंने हाफ बना रखा है, हाफ ग्राफ नहीं बना रखा है, तो बाकी हाफ ग्राफ ये इस साइड होगा, तो वो प्लॉट नहीं कर रहे हैं, हाफ ही ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं।
देखिए y इक्वल टू टेन अल्फा डिसकंटिन्यू ग्राफ है, y इक्वल टू अल्फा हमारा स्ट्रेट लाइन है जो 45 डिग्री पे है और ये ऐसे पीछे भी जा रहा है, तो जहां जहां ये दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं वो हमें अल्फा की वैल्यू दे रहे हैं, तो जीरो पे कट कर रहा है, 3π/2 पे कट कर रहा है, 5π/2 पे कट कर रहा है, 7π/2 पे कट कर रहा है, तो अल्फा की वैल्यूज हमें आ गई, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल गिव अल्फा इक्वल टू जीरो, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, एक बार इधर के लिए लगा रहे हैं, ऐसे ही हमारा इधर जीरो से है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2, प्लस माइनस 7π/2, नेक्स्ट अगर लिखना होगा तो पता लग रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो 9π/2, ठीक है, चाहे तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब एग्जाम में दोनों में से किस फॉर्म में लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, अल्फा वैसे ऊपर वाला ही सफिशियंट रहता है, अल्फा इक्वल टू जीरो प्लस माइनस 1.4 3π प्लस माइनस 2.46 2π डिवाइड करके लिख दिया, तो अल्फा इक्वल टू जीरो तो हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन देता है, तो सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन हमें अल्फा इक्वल टू 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 देगा, तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3π/2 हमें देगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 5π/2 हमें वैल्यू देगा सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना, तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो गिव्स द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, व्हाइल द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 प्लस माइनस 7π/2 गिव्स द पोजीशन ऑफ, ये वाला किसकी देगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये हमें देगा सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा और ये हमें देगा थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन, तो यहाँ तक नोट करिए, जिसका नोट हो जाए फिर वो मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बताए कि I1 I2 I3 कितना आ रहा है, I1 मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की वैल्यू इंटेंसिटी, I2 मतलब सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी, तो I1 जब कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन 2 में अल्फा की जगह प्लस माइनस 3π/2 रख देंगे तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम आ जाएगा, कैलकुलेट करिए, है ना, तो पहले यहाँ तक लिख के फिर वो कैलकुलेट करके बताइए। ग्राफ भी बनाना है। हाँ, ग्राफ भी बनाना है। क्लोज कर दूँ मैम, 4a² / 9π² आ रहा है क्या? पहले मैं बता दे, दिखा देती हूँ, देखिए पहला ये आ रहा है, यही आ रहा है आपका? यस मैम, यही आ रहा है। यस मैम। दूसरे का 4a² / 25π² तो क्या करेंगे, अल्फा की जगह 3π/2 रखेंगे तो ये हमेशा हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, तो हमेशा जो है साइन वाली जो टर्म है हमेशा वन वैल्यू देगी, है ना, तो साइन तो आएगा नहीं इसमें, तो 4 upon 9π² a² को हम आई नॉट लिख सकते हैं, I2 भी आ जाएगा, ऐसे ही I3 आ जाएगा, फिर इनका रेशो ले लेंगे, क्या करेंगे, आई नॉट रेशो I1 रेशो I2, ठीक है, तो एक कट जाएगा सब में से, ये आई नॉट कट जाएगा, 1:4/9π² / 4/25π² / 4/49π² नेक्स्ट वाला आपको पता है कि क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला 9 का स्क्वायर है, 81 हो जाएगा आगे का, फिर एक ग्राफ और रह गया है तो उस ग्राफ को हम कल बना लेंगे, या ऐसा करती हूँ स्लाइड चेंज कर देती हूँ, उसका फोटो क्लिक कर लीजिए, उसको फिर बना लीजिएगा, तो यहाँ से सिंगल स्लिट पूरा हो जाएगा हमारा, है ना मैम, पिछली वाली यस मैम दिखा दी, इसको पहले इसका फोटो क्लिक करिए, अभी पीछे वाली भी कर दूंगी, हो गया इससे नेक्स्ट वाली कर देती हूँ, तो ये क्या है, सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा को प्लॉट करा हुआ है, तो जीरो एंगल पे मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा है, पाई पे 2π पे 3π पे हमें मिनिमा मिलता है तो मिनिमा ड्रॉ कर रखा है, और ये 3π/2 वैल्यूज पे सेकेंडरी मैक्सिमा इंटेंसिटी ड्रॉ कर रखी है, नीचे ये वाला फिगर तो नहीं बनाना है, ये सिर्फ दिखा रखा है कि प्रिंसिपल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और सेकेंडरी मैक्सिमा में इंटेंसिटी कम होती चली जाती है जैसे जैसे नंबर ऑर्डर्स बढ़ते हैं।